ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता पार्ट टू में आज दूसरा सवाल, फिल्म शोले में डाकू गब्बर सिंह का रोल किस अभिनेता द्वारा अभिनय किया गया था? ए अमिताभ बच्चन, बी धर्मेंद्र, सी अमजद खान या डी सलमान खान? वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल के प्रतियोगिता में आप सबसे पहले जवाब दे सकें। सावन के अंतिम सोमवारी पर अजगैबी नाथ मंदिर व गंगा घाट में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भागलपुर के सुल्तानगंज में सावन के अंतिम दिन रक्षाबंधन को लेकर भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ मंदिर व गंगा घाटों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसी मान्यता है कि सावन माह व रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार व सोमवार दिन होने पर स्नान कर पूजा पाठ करने पर शिव भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं शिव भक्त गंगा स्नान कर अपने अपने घरों में बहनों से राखी बंधवाए सभी बहनें अपने भाई की लंबी आयु व उन्नति की मांग करते हैं। इस दिन शिव भक्तों की भीड़ अजगैबी नाथ मंदिर में भी उमड़ पड़ी। 20 साल पहले जैसा श्रावण मास इस 2020 में पड़ा, जो अमावस्या भी सोमवार के दिन ही पड़ा जिसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है, और सावन की प्रथम सोमवारी सोमवार से ही स्टार्ट हुई और अंत भी सोमवार के दिन ही हुई सावन की। और इस दिन सावन महीना में 5 सोमवारी के कारण इस महीना का सावन महीना का महत्व बहुत ज़्यादा है। और इस महीना में जो भी भक्तगण महादेव पार्वती गणेश के जो भी भक्तगण हैं, रुद्राष्टकम, द्वादश ज्योतिर्लिंग और पंचाक्षर स्तोत्र मंत्र का जाप सुबह शाम अपने मोबाइल में नहीं सुने तो उसका पाप जो भूल से किया हो, जो जानकर भी किया हो, वो सब पाप पुण्य में बदल जाती है। इसलिए पूरे सावन माह में सुबह शाम शिव द्वादश ज्योतिर्लिंग, शिव रुद्राष्टकम, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का मंत्र सुबह शाम जपना चाहिए। नाम बताइए। मेरा नाम अमन कुमार झा, सुल्तानगंज ध्वजागली वार्ड नंबर 3। भागलपुर में ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात सिपाही प्रीति सभी को बांध रही थी राखी। भागलपुर में ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत रोहतास जिले के सेमरा की रहने वाली प्रीति ने खास तरीके से रक्षाबंधन मनाया। अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होकर मुस्तैदी से कार्य करने के दौरान प्रीति के दिल में भाई की सुनी कलाई की यादें हिलोर मार रही थी। वहीं अपने जाबाजी के लिए मशहूर बिहार पुलिस की यह शेरनी भला अपने उद्देश्यों के समक्ष उदास कैसे रहने वाली थी। उन्होंने घर जाकर अपने भाई को राखी नहीं बांध पाने की कसक के बीच एक नई तरकीब निकाली। प्रीति ड्यूटी पर आने के दौरान ही साथ में राखी लेकर आई थी। सबसे पहले उन्होंने अपने पुरुष सहकर्मी को राखी बांध कर उनसे ईमानदारी से कार्य करने का वचन लिया। तदुपरांत पत्रकारों के कलाई पर रेशम का धागा बांध कर अपने भाई की कमी को पूरा कर लिया। माध्यम से मैं अपना भाई का एक संदेश देना चाहती हूँ जो कि गाना के माध्यम से। चंदा रे मेरे भैया से कहे ना बहना याद करे, चंदा रे मेरे भैया से कहे ना बहना याद करे। जय हिंद जय भारत। इसे समझो ना रे सम के तार भैया, इसे समझो ना रे सम के तार भैया, मेरे राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरे राखी का मतलब है प्यार भैया,
खाई पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर जीएस बेस्ट फोटो कंपटीशन में 631 प्रतिभागी हुए शामिल। भाई बहनों के सबसे पावन त्योहार रक्षाबंधन के अवसर पर पाठकों के लिए जीएस न्यूज द्वारा आयोजित बेस्ट फोटो कंपटीशन 2020 में रक्षाबंधन पर कुल 631 प्रतिभागी प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। वहीं बताते चलें कि प्रतियोगिता में प्रतिभागी बिहार राज्य के विभिन्न जिलों एवं भारत के कई प्रांत से पाठकों द्वारा उनकी तस्वीर भेजी गई है। इस बाबत कार्यक्रम के संयोजक राजा जायसवाल, पूजा झा, मयूरी कश्यप, अनु सिंह, रीमा राज ने कहा कि परिणाम हेतु तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए जल्द ही परिणाम तैयार कर संभवतः 5 अगस्त को न्यूज चैनल के वेबसाइट पर परिणाम जारी कर दिया जाएगा। हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ रक्षाबंधन का त्योहार। नौगछिया सहित आसपास के इलाके में रक्षाबंधन का त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। रक्षाबंधन को लेकर गांव घरों में पूरे दिन उत्साह का माहौल देखने को मिला। भाई बहन के अटूट प्रेम के इस पर्व पर बहनों ने अपने भाई की आरती उतारी, चंदन का तिलक किया और उनके कलाई पर राखी बांधकर अपने भाई के लंबे उम्र की कामना की। इस दौरान भाई ने बहनों को आजीवन उसकी सुरक्षा का वचन दिया। नवगछिया में 6 कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में सोमवार को किए गए रैपिड कोविड टेस्ट में 6 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें 2 व्यक्ति नवगछिया के, 1 पदाधिकारी के कर्मी हैं, जबकि अन्य 4 लोग नवगछिया शहर के ही हैं। गोपालपुर में मिले 3 नए कोरोना संक्रमित। पीएससी गोपालपुर में रविवार को 51 लोगों की जांच रैपिड एंटीजन किट से किया गया, जिसमें 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि सैदपुर चपरगढ़ व बड़ी मकनपुर गाँव से 1-1 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। रंगरा में भी मिले 2 रोगी। रंगरा पीएससी में हुए कोविड-19 रैपिड टेस्ट में प्रखंड के भवानीपुर और मदरौनी गांव से 1-1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डॉक्टर रंजन कुमार ने बताया कि दोनों को अस्पताल भेजने और बॉन्ड भरवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नारायणपुर में 126 लोगों की जांच 1 पॉजिटिव। नारायणपुर प्रखंड के नगरपारा उत्तर पंचायत के मध्य विद्यालय नारायणपुर में सोमवार को पीएससी प्रभारी डॉक्टर विजय कुमार विद्यार्थी के नेतृत्व में 126 लोगों का जांच किया गया। जांच के दौरान वार्ड संख्या 2 के एक चाय दुकानदार पॉजिटिव मिलने की पुष्टि करते हुए पीएससी प्रभारी ने बताया कि पॉजिटिव मिले युवक को होम क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है। नवगछिया में बोले अरुण यादव, बाढ़ पीड़ित परिवार को नहीं मिल पा रहा राहत सामग्री। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अरुण कुमार यादव ने कहा कि नवगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड के मदरौनी पंचायत, नवगछिया प्रखंड के पकड़ा टोला, भरोसा सिंह टोला, गुरु स्थान, ठाकुर जी कचहरी टोला सहित कदुआ दियारा और ढोलबजा पंचायत के दर्जनों गांव कोशी नदी के बाढ़ के चपेट में हैं। अभी तक सरकारी स्तर से बाढ़ पीड़ित को किसी भी प्रकार की बाढ़ राहत सामग्री मुहैया नहीं कराई गई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आज नवगछिया अनुमंडल के दर्जनों गांव कोसी नदी बाढ़ से त्राहिमाम है। लगभग 25,000 परिवार कोसी नदी के बाढ़ से प्रभावित है। चाहे मदरौनी हो, चाहे कदुआ दियारा पंचायत हो, चाहे ढोलबज्जा पंचायत हो, चाहे लोकमानपुर पंचायत हो, चाहे हड़ियो पंचायत के अंतर्गत आहुति गोविंदपुर गांव हो, मतलब आज सप्ताह दिन से बाढ़ प्रभावित जो परिवार हैं, दाने दाने के लिए बिलख रहे हैं, बांध पर शरण लिए हुए हैं। रंगरा में तो वहां रेलवे प्लेटफॉर्म पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन बिहार सरकार के प्रशासन को इन बाढ़ पीड़ितों से कोई मतलब नहीं है, न ही यहां के सत्ता पक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको मतलब है। हम सरकार के प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं कि आप अविलंब बाढ़ प्रभावित परिवारों को जो राहत सामग्री है उन्हें मुहैया कराने का काम करिए। जन्मभूमि अयोध्या में हो रहे भूमि पूजन के लिए भेजा गंगा जल व गंगा की मिट्टी। विश्व हिंदू परिषद नौगछिया इकाई के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष प्रवीण भगत, महामंत्री मनीष भारद्वाज, विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष पंकज कुमार भारती, धर्म प्रचारक पंडित ललित मिश्र, बजरंग दल नगर सह संयोजक शुभम पोद्दार, कुंदन सिंह, सज्जन कुमार एवं अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गणों के द्वारा भगवान
बटेश्वर स्थान में उत्तर वाहिनी गंगा स्नान के उपरांत यहां की मिट्टी लेकर एवं गंगा जल लेकर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में हो रहे भूमि पूजन में भेजा गया है। साथ ही साथ जिलाध्यक्ष प्रवीण भगत के द्वारा हिंदू जनमानस में यह संदेश दिया गया है कि सभी अपने अपने घरों में 5 अगस्त को अपने घरों में घी के 5 दिए जरूर जलाएं। सावन पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सावन पूर्णिमा के मौके पर हजारों लोगों ने सैदपुर के बुद्धूचा घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने अहले सुबह से ही गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई और पवित्र गंगा जल लेकर बोलबम के नारों के साथ विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक किया। रक्षाबंधन के पवित्र मौके पर बहनों ने भाई की कलाई पर अपनी सलामती हेतु रक्षा सूत्र बांधकर भाई को तिलक लगाकर मुंह मीठा कराया। वहीं भाइयों ने भी उपहार देकर बहन की रक्षा का संकल्प लिया। कृपया ध्यान दें, अब 1 मिनट के विज्ञापन के बाद खबर प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन ले और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें 7488568 9234623333। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, Polytechnic, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में ले निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228-9569-05-8873-9736। नवगछिया का सत्यनारायण सिंह के निधन पर भाकपा माले ने जताया शोक दी श्रद्धांजलि। CPI के बिहार राज्य सचिव कॉमरेड सत्यनारायण सिंह के आकस्मिक निधन से समस्त वाम जनवादी कतारों में शोक व्यक्त है। कॉमरेड सत्यनारायण के निधन पर भाकपा माले की ओर से गहरा शोक व्यक्त किया गया। भाकपा माले के नौगछिया प्रखंड के सचिव रामदेव सिंह, जिला कमेटी सदस्य सह इंकलाबी नौजवान सभा इनोस के राज्य सचिव गौरीशंकर राय, जिला कमेटी सदस्य रंगरा प्रखंड प्रभारी पुरुषोत्तम दास सहित कई अन्य ने उनके निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किया। भाजयुमो ने गृह मंत्री के स्वास्थ्य को लेकर किया हवन अनुष्ठान। नौगछिया के बीपुर विधानसभा अंतर्गत प्रसिद्ध मड़वा गांव स्थित बाबा ब्रजलेश्वर धाम मिनी देवघर में गृह मंत्री अमित शाह के जल्द स्वस्थ एवं देश दुनिया से कोरोना से मुक्ति को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा नौगछिया द्वारा जिलाध्यक्ष रूपेश रूप के नेतृत्व में अमित शाह के तस्वीर के सामने उनके जल्द कोरोना संक्रमण मुक्ति के लिए सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए हवन पूजन का अनुष्ठान किया गया। वहीं संयोजन कर रहे जिलाध्यक्ष रूपेश रूप ने कहा कि अमित शाह के कोरोना के संक्रमित पाए जाने की खबर से वे काफी चिंतित हैं। इस पर से कामना करते हैं कि राजनीति के चाणक्य जल्द से जल्द स्वस्थ हों। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे मास्क लगाएं और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। नारायणपुर में हर्षोल्लास के साथ बहनों ने भाई की कलाई पर बांधी राखी। नारायणपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायत के विभिन्न गांव में सोमवार को सावन की पूर्णिमा के अवसर पर धूमधाम के साथ हर्षोल्लास पूर्वक बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांधी तो भाई ने सुरक्षा कवच का वादा करते हुए उपहार भेंट की। रक्षाबंधन को लेकर क्षेत्र के चौक चौराहे एवं घरों में उत्साह का माहौल दिखा। नारायणपुर आशा टोल में शराब बरामदगी के लिए पुलिस ने की छापेमारी। नारायणपुर प्रखंड के आशा टोल गांव में भवानीपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर प्रतिबंधित शराब की बरामदगी के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाया। भवानी पुलिस को छापेमारी में कुछ हाथ नहीं लगाया। बताया जा रहा है कि आशा टोल इन दिनों नारायणपुर प्रखंड का सबसे ज्यादा प्रतिबंधित शराब की तस्करी करने वाला क्षेत्र बन गया है। नारायणपुर बिरवरना चौक के पास कार दुर्घटनाग्रस्त, बाल बाल बचे चालक व सवार। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के NH 31 बिरवन्ना चौक के पास सफेद कलर की मारुति कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे डिवाइडर से टकरा गई। उस पर सवार व चालक बाल बाल बच गए। ग्रामीणों की सूचना पर भवानीपुर पुलिस मौके पर पहुंची। मारुति पर सवार व चालक सुरक्षित थे। सड़क किनारे लगे 3 किला को तोड़कर वाहन क्षतिग्रस्त हो गया।
गश्ती दल के सहायक और निरीक्षक अखिलेश राय ने बताया कि वाहन पर सवार व्यक्ति खगड़िया के परबत्ता थाना के चौकीदार था। बीपुर में अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था। अब पैसा नहीं बनेगा, पढ़ाई में बाधा। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। बीए, बीकॉम, बीएससी, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीबीए, बीसीए सहित नर्सिंग कोर्स में ले निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228-9569-05-8873-9736। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969-339-6666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड, माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। आई प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नवगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नवगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन ले और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें 7488-8569-88-9234-62-33-33।